हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि आपके साथ जो मैं इयररिंग्स यूज़ करती हूँ शॉर्ट्स में, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। जो भी मैं इयररिंग्स शॉर्ट्स में यूज़ करती हूँ, बहुत सारे लोगों को पसंद आती है, मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में ही। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका एक अलग से वीडियो बनाऊँ। तो मेरे पास बहुत सारा कलेक्शन है इयररिंग्स का, और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बजट, मतलब लो बजट में ही काफ़ी अच्छी इयररिंग्स मैंने रखी हुई हैं, कलेक्ट करी हैं। क्योंकि मैं जब भी मार्केट जाती हूँ, मुझे जब भी लगता है कि यार ये सही है, तो मैं वहीं पे से वो उठा लेती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मेरे पास इयररिंग्स का कलेक्शन है ही, तो फिर मैं क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ। और वैसे तो देखा जाए तो डेली जो यूज़ करते हैं, वैसे तो मैं घर में बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ। जैसे आप अभी देख रहे हैं, मैंने अभी भी यूज़ नहीं किया है। तो जो ये इयररिंग्स हैं, वो शॉर्ट्स, रील्स या फिर जो स्पेशल ओकेज़न होते हैं, उन्हीं में मेरे को सही लगता है वेयर करने में। नॉर्मल डेज में मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। एक बॉक्स है मेरे पास, उसमें सारी इयररिंग्स पड़ी हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ये है मेरे पास एक बॉक्स पड़ा है, इसमें मैंने सारी इयररिंग्स रखी हुई हैं, छोटी बड़ी जितनी भी हैं। अभी मुझे इसका ये जो बॉक्स है वो चेंज करना है, बहुत पुराना हो चुका है, और ये ना इसमें ज़्यादा हो गई है, तो फिर इसका ये भी नहीं लग रहा है। और ये ना किसी, मैंने गई थी कुछ सामान खरीदने के लिए, वहाँ पे से मैंने ये लिया है, और यहाँ पे कुछ लिखा भी है, शायद मांग टीके होंगे ना इसमें, वो ये लिखा है, तो मांग टीके वगैरह होंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ एक एक करके इसमें से इयररिंग्स के साथ। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बॉक्स में से सारे इयररिंग्स मैंने निकाल दिए हैं, मतलब कि मैंने अलग अलग रख दिए, क्योंकि बॉक्स में सारी ना एक के ऊपर वो एक रख के पूरा सा बहुत गंदा सा हो गया था। तो मैंने सारी इयररिंग्स पेयर में यहाँ पे निकाल ली हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, वियर करके दिखाऊंगी कौन सी इयररिंग्स कैसी लग रही है, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि कौन सी इयररिंग्स कैसी लग रही है। मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कैमरा सेट करने है मुझे, ताकि प्रॉपर देखने हैं, क्योंकि वीडियो बनाने वाला कोई नहीं है, मैंने खुद ही कैमरा सामने रखा है, तो पता नहीं चल रहा है कि कितना दिख रहा है, तो फिर वो सेट करने में थोड़ा टाइम लग जा रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ अब यहाँ पे, पहले स्टार्टिंग करते हैं सबसे छोटे इयररिंग्स की। यहाँ पे सबसे छोटे जो अभी बोलूँगी मैं, वो वैसे जो टॉप्स हैं वो तो मैंने अलग से रखे हैं, क्योंकि वो नॉर्मल डेज में पहनने के लिए हैं। सबसे छोटी इयररिंग्स हैं मेरी, मतलब इयररिंग्स क्या इनको बोलते हैं शायद, झुमके। ये जन्माष्टमी में हम लोगों को चाहिए थे, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास बिल्कुल इयररिंग्स नहीं थी, और मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी, तो फिर मैं गई थी यहाँ बगल शॉप में ही गई थी, घर के पास में ही, और मुझे ये मिली थी उस टाइम पे। तो ये तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो इसको मैं वेयर नहीं करूँगी, बहुत देख सकते हैं आप यहाँ पे। ये सबसे बेस्ट जो लगती हैं वो ये लगती है, मैं कभी भी जैसे मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कौन सी इयररिंग्स यूज़ करनी है, तो मैं सबसे पहले ये निकालती हूँ और ये करती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादातर जो इयररिंग्स हैं वो ऑक्सीडाइज्ड ही ज़्यादा पसंद है। तो फिर फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वियर करने में ज़्यादा हैवी भी नहीं है और ज़्यादा लाइट भी नहीं है, तो काफ़ी सही रहते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने वियर कर दिया है, तो आप कमेंट में बताना कि आप। और ऐसा नहीं है कि मैंने ये ऑनलाइन ऑर्डर की थी, ये मेरे को सारी मैंने नॉर्मल मार्केट से ली है, और काफ़ी अच्छी रेंज में, ऐसा भी नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा हाई रेंज में, काफ़ी ये मेरे पास जो इयररिंग्स होंगी वो 50 to 150 के अराउंड होंगी, सारी जो इयररिंग्स दिखाऊंगी मैं आपको। सकते हैं यहाँ पे मेरे पास ना वैसे ज़्यादातर सेम टाइप की मिलेंगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा कलरफुल उस टाइप की पसंद नहीं है ज़्यादा। तो ये भी देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, और ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं, सिंपल हैं और काफ़ी सही लगती हैं, और ये भी मैंने यही मार्केट नॉर्मल शॉप से ली थी। इनका तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ है वैसे, क्योंकि इसको आप जीन्स में भी वेयर कर सकते हैं और सूट वगैरह में भी काफ़ी सही लगते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे शायद। और ये वाली जो इयररिंग्स हैं वो मतलब या तो फिर हाई पोनीटेल में, या फिर जब आपके हेयर बिल्कुल खुले खुले हों, तब ज़्यादा अच्छे लगते हैं वाले। मैंने नीति के लिए भी ली थी, हमारे पास दो इसके दो पेयर होंगे, फिर से वही राउंड शेप में आते हैं और सेम टू सेम ये भी यही है, नहीं वेयर करूँगी क्योंकि सेम है दोनों, क्यूट क्यूट से। और ये मुझे दिए थे मेरी, मुझे एक डेली में
फ्रेंड मिली थी मणिपुर की, सुषमा, उसने मुझे ये दिए थे। तो सुषमा, इफ़ यू सी माई ब्लॉग प्लीज़ कमेंट फॉर मी। तो मेरे को ना बहुत ज़्यादा, मैं जो उसके साथ मैंने टाइम स्पेंड किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्वीट थी, मेरे को बहुत मिस कर दी मैं वो, जो मतलब उसके साथ वहाँ टाइम स्पेंड। मैंने पहले से लिखाई थी, लेकिन फिर एक बार नीतू ने यूज़ किया था, तो फिर उसके बाद फिर एक खो दिया था उसने, तो मैं सेम टू सेम मेरी हमारी मार्केट से लाई थी, और ये मुझे ना बहुत पसंद है और ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगता है। दिखाती हूँ आपको मैं, और ना बैक कैमरे से वीडियो बना रही हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा है कि कैसा हो रहा है, तो देख सकते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मैं मेरी जितनी भी जो ईयरिंग्स आप देख रहे हैं, कोई भी अगर पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करें कि आपको कौन सा पसंद आया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये भी काफ़ी सुंदर है, लेकिन ये मैंने थोड़ा बड़ा से पूछा, लेकिन इसमें पता नहीं क्या हो रहा है, बिल्कुल कुछ लग गया है। तो आप देखेंगे ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने इनके पीछे के सारे निकाल रखे हैं ताकि मैं फटाफट पहनूँ और रेडी हूँ फटाफट। तो देख सकते हैं यहाँ पे, शायद अच्छे लगेंगे, फिर उसके बाद जब मैं लिखना समझ गया, तो ये मैं लिख रही थी हमारा शायद पहाड़ी डांस था, तो उसके लिए मैं लिख रही थी। तो ये देख सकते हैं, लग रहे गोल्ड बिल्कुल ये है। तो इनको मैं ऐसे ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ना गोल्ड उतना पसंद नहीं है, गोल्ड उतना अच्छा लगता है, सब लोगों को लगता है कि यार गोल्ड गोल्ड गोल्ड, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। तो मैं अपनी जो शॉर्ट्स वीडियोस में भी मैं यूज़ करती हूँ इस तरह गोल्ड इयरिंग्स, गोल्डन टाइप इयरिंग्स, गोल्डन टाइप टाइम गोल्डन टाइप झुमके झुमके। और फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं कुछ कुछ ऐसे होंगे जो मैं कभी पहनती नहीं होगी, जैसे ये मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया, ये देख सकते हैं, लेकिन शायद पहन अच्छा लगे, आप लोग बताएं कैसे लगे। बहुत सारे हैं, शायद वाइट है, वाइट ड्रेस होगी तो मैच होगा, पूरा होगा शायद, अभी देखने को मिलेगा। मुझे सारे जो इवेंट होते हैं वो इस तरह से लगती है ना, जो पीछे जाने वाला था बहुत ज्यादा डर होता है, तो वो फिर मैं ज्यादा यही रेडी करती हूं। तो देख सकते हैं इसी तरह मैं कैसे लगता है, मैं क्या ना। फिर उसके बाद ये भी है, ये देख सकते हैं, ये भी चाहिए और ड्रेस अपने जो अच्छा है, और इसके पीछे शादी इंसान मेरे आस पास ऐसा चला था ज़्यादा चला, और ये मैंने यूज़ किया, मैंने नहीं यूज़ किया, मैंने यूज़ किया नहीं, मैंने यूज़ किया पता नहीं चला, पता नहीं चला अच्छा ये अपने बताया, लेकिन जितनी मतलब सब रखी है, ये इयरिंग्स मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, ये हमारी जब हम थोड़ा रहते थे तो हमारी पड़ोसी थी सिमरन बोली जाएगी मुंबई से, ये मुंबई के इयरिंग्स हैं, तो देखते हैं कैसे लगते हैं मुंबई के इयरिंग्स, ये काफ़ी सही लगते हैं, जैसे देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छे लगते हैं, जो सिंपल हैं छोटे हैं, काफ़ी सही लगते हैं सूट में गिरते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक टॉप्स में जाता है, जैसे काफ़ी यहाँ पे अभी इस टाइप में मुझे और लेने हैं, क्योंकि ये मेरे पास बहुत सारी झुमके वगैरह बहुत हुए हैं, तो मैं ट्राई करूँगी इस टाइप के लिए। आज मैंने वाइट वाइट कुर्ती और वाइट पट्टा इसलिए लिया था, मेरी जो सारी गलियाँ मैच होती है, वाइट एक ऐसा कलर है जिसमें सारे जो हम कुछ भी लिया करें वो अच्छे लगते हैं। तो बहुत सोच मछली ड्रेस है ना, ड्रेस का पहना कुर्ती है और ये पट्टा डाल दिया, तो कहीं पता नहीं क्या बनाएगी मैंने। फिर उसके बाद यहाँ पे ये पता नहीं क्यों लेके यहाँ पे, मतलब मुझे पता नहीं अच्छे लगेंगे, मैंने याद नहीं मेरे, लेकिन पता नहीं क्यों ये मैंने पता नहीं खाली पता होंगे 20 रुपये होंगे, मैंने लिया, लेकिन ये मैंने यूज़ करें, लेकिन ये सारी सब चीज़ें ऐसे मुझे, तो फिर भी आपको खाली ये ऐसा नहीं जो ताबे होते हैं उनको वो बैठे हैं बनाने उस टाइप का, लेकिन पता नहीं कैसा लगा, अच्छा लगा कॉल भी करते मैंने इधर के लिए खरीदे, और ये मुझे काफ़ी पसंद है, सिंपल एंड सिंपल पसंद, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, आप देख रहे होंगे मेरे सारी स्टेप्स की। ये देख सकते हैं, तो ये कैसा लगता है, मुझे तो ये अच्छा लगता है, मैंने मेरे के साथ कैसा लगा, लेकिन मुझे काफ़ी सही लगता है। और एक मेरे पास ये फिर से आउट शिफ्ट आ गया, ये भी सही लगा, ये भी काफ़ी मैंने कहा कि कॉलेज टाइम के जब फंक्शन हो रहे होते हैं तो मैंने काफ़ी यूज़ किया इसका, अच्छा लगा। ये भी एक टाइम पे ना इनका भी काफ़ी फैशन था, ये हो गए और साथ में एक दो एक या दो बार यूज हुए, ये बहुत हैवी है तो फिर मुझे ज़्यादा पसंद नहीं इतने ज़्यादा, बहुत हैवी है, बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या लटक रहा है इतना ज़्यादा। तो आप बताना कि कैसा लग रहा है ये मेरे फेस पे, कैसा लग रहा है, और उसके बाद फिर मैं भी ये वाले भी वेयर करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप काउंट करना कि कितने इयररिंग्स हो गए हैं, और मैंने तो काउंट नहीं करा, पता नहीं कितने हो गए हैं, अभी झुमके में लास्ट में दिखाऊंगी, मैंने अभी एक दो और लिए थे तो फिर अभी मैं दिखाऊंगी, पहले जो मेरे पुराने वाले हैं उनको दिखा रही हूँ, ये देख सकते हैं, तो ये पता नहीं कैसे लग रहे होंगे, आप बताना ज़रूर कैसे लग रहे हैं।
मैं जूम भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी कैमरा सेट किया है, तो अगर कोई और बना रहा होता तो मैं जूम करके दिखाता। तो आप ऐसे ही देख लीजिए यहाँ पे कैसा लग रहा है। ये वाली जो एयरिंग्स है वो काफ़ी हैवी है, जो कि मैंने दिखाई थी वो भी काफ़ी हैवी है, तो उसमें है। दूसरा मैंने आपने देखा होगा ये तो काफ़ी इंस्टाग्राम में इसको यूज़ करके काफ़ी वीडियोज़ देखी है, तो मैं भी करनी चाहिए वीडियोज़ में करने में भी केवल पहन के लेकिन मुझे ना खास नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं कि मैच कर सब मैच कर रहा हूँ वाइट में सब कुछ मैच करता है, तो मैं वाइट कुर्ती और वाइट कुर्ती वाइट फ्रॉक पहनने वाइट करता हूँ, तो देख सकते हैं कैसा लगेगा, तो बताना फ्रेंड्स कैसा लगेगा इतने वाला है इतने वाला ये लगेगा सही से। ये थी ये लुक क्या पहले खराब हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये तो थे अभी जो मैंने शूटिंग करी थी, और अब आप दिखाते हैं यहाँ पे झूठी। तो सबसे पहले मैं बोलती हूँ आपको ऑक्सीडाइज बहुत ज़्यादा पसंद है, सबसे पहले ये मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये आपने जब मैं वृंदावन गई थी उसमें मैंने यूज़ किए थे ये वाले, काफ़ी मैंने वहाँ पे जो मैंने सूट पहना था उसमें काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने एक दो टाइम इसको यूज़ कर लिया है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, ऐसा लग रहा है किसी का प्रमोशन कर। ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये मुझे काफ़ी पसंद है, मतलब मुझे ये चीज़ ना इसका जो इसमें एक मिरर टाइप का दिख रहा है और ये नीचे से झुमके काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे, तो आप बताना आपको कैसे लग रहे हैं। इसके बाद फिर से ऑक्सीडाइज्ड आपको दिखेंगे ये शायद ये एक्सपेंसिव है, 200 something 250 ये वाले ये देख सकते हैं। और सारे जो अभी तक का जो मैंने इयर रिंग्स दिखाए थे वो 50 to 100 150 के अप्रॉक्स थी, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव क्या बोल सकते हैं, ठीक है मेरे को नाम नहीं पता है इनके, मतलब सारे जो दिखा रही हूँ बस मैं तभी ईयर सब मैं इयर रिंग्स बोल रही हूँ, शायद इनको झुमके बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये वाले शायद काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे ये, क्योंकि मुझे भी अच्छे लगते हैं, तो आप कमेंट में बताना कि आपको कैसे लग रहे हैं। अब अगर मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है तो ऑक्सीडाइज्ड तो मैंने इतने सारे लिए हैं, साथ में मैंने ब्लैक, क्योंकि कभी कभी ये जो ब्लैक है ना ये भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो मैंने ब्लैक भी रखे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक कलर के भी काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे, अभी मैंने देखा नहीं है कैसा लग रहा है, तो मैंने काफ़ी टाइम ही मतलब काफ़ी वीडियोस में मैंने यूज़ किए हैं, तो उसमें तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे, अभी पता नहीं मैं कह नहीं सकती, अभी मैं देखूंगी वीडियोस के बाद पता चलेगा। इतनी सारी दिखा रही हूँ, कौन सी आपको बेस्ट लगी सबसे, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। और उसके बाद फिर मैंने एक ही लाइट उसमें ब्लूइश हाँ ये भी मुझे ना कलर इसका काफ़ी अच्छा लगा, तो फिर मैंने ये भी मैंने ले लिए, ये होता है ना मार्केट जा रहे हो और जाते जाते ऐसे दिख गया तो लेना है, मतलब अच्छा लग गया लेना है, ये भी दिखाती हूँ आपको। ये जो है काफ़ी अच्छे लगते हैं पार्टीज और सूट वगैरह वगैरह पहनो साड़ी वगैरह में काफ़ी अच्छे लगते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स इन तीनों में आपको कौन सा पसंद आया वो आप ज़रूर बताना, कौन सा आपको अच्छा लग रहा है इन तीनों में से, देख सकते हैं यहाँ पे तीन। अभी मैं हाल ही में अभी मार्केट गई थी, तो फिर मुझे वहाँ भी ऐसी में जा रही थी मुझे अच्छे लगे, तो मैंने अभी तीन इयर रिंग्स और लिए हैं। ये तो आपने देख परसों एक ब्लॉग बनाया था मंदिर वाला, उसमें मैंने यूज़ किए थे, अगर आपने मेरे ब्लॉग नहीं देखे जब मंदिर गए थे तो आप ज़रूर देखें मेरे ब्लॉग को। और मेरा गला भी बैठा है थोड़ा सा क्योंकि तबीयत सही नहीं है, जुकाम वगैरह बुखार वगैरह है, तो फिर इस वजह से मेरा थोड़ा सा गला भी बैठा हुआ है, हो सकता है कि मोटी आवाज़ आ रही होगी, तो कोई बात नहीं आप देखिए मेरी। ये भी मुझे ना काफ़ी अच्छी लगी, मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब कि लाइट वेट है और दिखने में भी सही लग रहा है, तो फिर मैंने ले लिया, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, तो आप बताना आपको कैसा लग रहा है। मुझे काफ़ी टाइम से ऐसी वाली चाहिए थी, तो मैंने फाइनली मैंने ले ली है, और ये सब उलझ चुका है, ये मैंने ये भी शायद ना एक बार यूज़ कर लिया,
और ये मुझे ना काफ़ी अच्छी लगती है, बहुत अच्छा लुक आता है इसको पहन के। भले अभी नहीं आए उसके लिए हाँ, तो फ्रेंड्स आप ये मत सोचना कि ये वाली अच्छी लग रही है, वाली अच्छी लग रही है। तो ये करता है ना, इयर रिंग्स जब आप पहनते हैं तो आपकी हेयर स्टाइल पर भी बहुत ज़्यादा लुक जो है वो अच्छा लगता है। हेयर स्टाइल पर भी बात होती है कि कौन सी इयर रिंग्स के साथ आप कैसी हेयर स्टाइल बना रहे हो। तो अभी तो मैंने सिंपल बनाया है, तो फिर देखिए आपको कैसा लग रहा है। अब मैं इसके बाद लास्ट वन है जो मैंने यूज़ नहीं किया है, मैं कह रही थी ना मुझे कलरफुल ज़्यादा पसंद नहीं है, सारी ऑक्सीडाइज ब्लैक स्टेप के, तो फिर मैंने फाइनली इस ये खरीद लिया। देखो अभी मैंने इसमें से निकाला भी नहीं है पैकेट में से, क्योंकि मैंने क्योंकि अभी यूज़ ही नहीं किया है। ये वाली अभी तक मैंने यूज़ नहीं करी है, देख सकते हैं यहाँ पे। ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी तो मैंने ये ले ली। शायद ये थी 120 या फिर 100 की थी, हाँ 100 है, मैं भूल भी गई हूँ, शायद ये 100 150 के आसपास थी, भूल चुकी हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है मैं लाई थी, बहुत टाइम 2-3 महीने हो चुके हैं लेकिन मैंने अभी तक ये यूज़ नहीं किया है। लेकिन आज कर लेती हूँ, कैसी लग रही है मैं देख के आ गई हूँ, और मुझे तो ठीक लग रहे हैं। आपको कैसे लग रहे हैं आप कमेंट में जरूर। तो फ्रेंड्स ये था मेरा इयररिंग्स का कलेक्शन, जितना भी था मैंने आपको दिखाया। तो अभी तो ये वाली मैंने आज यूज़ कर ली है, कैसी लग रही है आप पक्का बताना कमेंट में ये बताने कि कितने पेयर्स मैंने यूज़ किया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।